नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे और आज हम एक बहुत ही कॉमन इलनेस यानी डायरिया डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को अक्सर ही परेशान करता है। कुछ बच्चों को थोड़ा कम करता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा करता है। तो ये जो डायरिया है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉटी हो रही है और पॉटी भी बिल्कुल एकदम पानी जैसी हो रही है, तो ऐसे में इसको हम लोग डायरिया लेबल करते हैं। और आपको जो ध्यान रखना है डायरिया में, वो ये ध्यान रखना है कि बच्चा एक अंदाजना है आपको कि बच्चा लगभग कितनी पॉटी दिन भर करना है। एक तो नंबर लोग अक्सर ही बताते ही हैं हमको, पेरेंट्स आते हैं तो कि जी 4 बार पॉटी करी या 5 बार करी, सुबह से इतनी करी, इस तरह से। दूसरा चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि लगभग कितना पानी एक बार में पॉटी में निकल रहा है। क्या वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, या थोड़े थोड़े से स्टूल्स बच्चा लगातार पास कर रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे कर रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर अक्सर जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो दूसरी चीज़ तो आपसे तुरंत पूछेंगे, वो ये कि बच्चे ने क्या यूरिन पास किया कि नहीं किया, उसने पेशाब किया कि नहीं किया, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि बच्चे को अब तुरंत इमिजिएटली भर्ती करने की ज़रूरत है या उसको घर पर भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं और आप डायरिया का कंप्लेंट लेकर के बच्चे में जाएं, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि बच्चे ने पेशाब कब किया है और कितना किया है। पेशाब में 2-3 चीज़ें देखने की होती हैं। एक तो बच्चा कितनी फ्रीक्वेंसी से पेशाब कर रहा है, हर 2-3 घंटे में बच्चा, अगर बच्चे का पैटर्न है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा पेशाब करता था, तो वो पैटर्न मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या देर देर से पेशाब कर रहा है, या फिर वो पेशाब तो कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी हो रही है, 1 बूंद 2 बूंद 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरह से, या फिर उसका पेशाब का रंग इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि वो बिल्कुल येलो कलर का पेशाब हो रहा है। तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। अगर ऐसा कुछ भी है कि देर देर से कर रहा है बच्चा पेशाब, या रात में सोया था उसने पेशाब किया और सुबह सो करके उठ के उसने स्टूल्स तो बहुत बार पास किए लेकिन पेशाब नहीं किया, तो पेशाब किए हुए 7-8 घंटे 10 घंटे लगभग हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। तो इस डायरिया में इस तरह की चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें कि बच्चा पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब डायरिया, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तब तक आप क्या करना है आपको? आपने ये करना है कि उसको पानी की कमी ना होने दीजिए आप शरीर में, और इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा डायरियल स्टूल पास करता है तो सिर्फ पानी की कमी नहीं होती है, उसको नमक और तमाम तरह के नमक होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सोडा बाइकार्बोनेट है, तो इस तरह के नमक जो हैं वो उनकी कमी होती है, और चीनी की कमी होती है शरीर में। तो सिर्फ प्लेन पानी पिलाने से बात नहीं बनेगी, इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा प्लेन पानी पिलाते जाएंगे और उसकी पॉटी में नमक और चीनी बाहर निकलते जाएंगे तो उससे और डाइल्यूट होता जाएगा और नमक की कमी बहुत प्रोफाउंड हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ही जान का खतरा बन सकता है बच्चे को। तो बच्चा बार बार पानी की तरफ दौड़ेगा और बार बार पानी पीना चाहेगा लेकिन उसकी प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि जो नमक की प्यास है, जो उसको चीनी की प्यास है, वो तो पूरी हो नहीं रही और पानी आप उसको लगातार पिला रहे हैं। तो ये गलती आपने डायरिया में, जो पेरेंट्स कॉमनली करते हैं, बिल्कुल मत करिए। आप जब भी बच्चे को कोई भी सॉल्यूशन दें, कोई भी पीने की चीज़ दें, तो उसमें ये ज़रूर आप इंश्योर करें कि उसमें ग्लूकोज और नमक दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पेरेंट्स ग्लूकॉन डी घोल घोल करके बच्चों को पिलाते रहते हैं, जूस बच्चों को ला करके पिला देते हैं, फ्रूटी एक बच्चे ने पी होती वही पिलाते रहते हैं, या पानी पिलाते रहते हैं, ये सारे फ्लूइड्स गलत हैं। आप बिल्कुल भी डायरिया में, अगर आप जूस पिलाएंगे, फ्रूटी पिलाएंगे, उससे डायरिया और बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर और एसिडिक आप ये सब सॉल्यूशंस बच्चे को पिलाएंगे, उतना पॉटी में पानी लूज होता रहेगा बच्चे के, और किसी भी तरह से वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा बॉडी में। तो आपने क्या लिक्विड्स बच्चे को देने हैं? आपने उसको ORS का घोल जो मार्केट में मिलता है, ORS WHO फार्मूला लिखा होता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉल है, एनर्जल है, इलेक्ट्रोकेम है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, रीलाइट है, ओरा लाइट है, ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं जो आपने देने हैं। आपने उसमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ तो टेट्रा पैक्स आते हैं, जैसे फ्रूटी के डब्बे होते हैं उस तरह के, उसको ऑलरेडी वो पानी में घोले हुए होते हैं, उनको आपने डायरेक्ट पिलाना होता है, तो वो 100 ml 200 ml की डिब्बियाँ होती हैं, तो आपको नाप के पिलाना है कि भाई आप, अगर बच्चे ने लगभग 30-40 ml का स्टूल पास किया है तो आप उसको लगभग 50 ml ORS का घोल पिलाने की कोशिश करिए। उसके अलावा, ये तो उतना पानी आप वापस रिप्लेस कर रहे हैं जितना पॉटी में निकला है, उसके अलावा भी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी 10-20-15 ml 30 ml से आपने पूरी करनी है। तो लगभग आपने 70-80 ml पानी जो है हर बार स्टूल पास करने के बाद पिलाना ज़रूरी है।
लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा बड़ी पॉटी कर रहा है तो आपको 100 ml 150 ml पानी भी पिलाना पड़ सकता है, और ये पानी ORS का घोल की फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा ORS के छोटे पाउच आते हैं और बड़े पाउच आते हैं। देखिए पेरेंट्स ये गलती इसमें करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक चम्मच घोला, थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें घोल के फिर पिला दिया उसको, ऐसे कर दिया। ये दवाई है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। औना पौना ड्योढ़ा ऐसा एकदम इस तरह का सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए। अगर पैकेट पे लिखा है 200 ml पानी में इसको घोलें तो 200 ml पानी में ही घोलना है। 200 का 150 या 250 नहीं हो सकता। अगर पैकेट पे लिखा है 1 लीटर में घोलना है तो 1 लीटर में ही पूरा घोल करके उस सॉल्यूशन को बना के आप रख दीजिए किसी साफ़ सुथरी जगह पे, और फिर उसी में से निकाल निकाल के आप उसको पीते रहिए, और 24 घंटे के बाद को आपको वो सॉल्यूशन डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपने ORS का घोल बहुत ध्यान से बनाना है। इसके अलावा आप बच्चे को कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी दे सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रिंक होता है। चावल का माड़ उसमें हल्का सा नमक डाल करके आप वो दे सकते हैं। नींबू पानी नमक चीनी का घोल बना करके आप बच्चे को पिला सकते हैं, और मट्ठा वगैरह है, नमकीन या लस्सी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें भी आप दे सकते हैं जिनमें नेचुरली नमक और चीनी दोनों चीज़ें होती हैं। तो थोड़े से इन सॉल्यूशंस की तरफ आप ज़्यादा स्टिक करें। माँ अगर अपना स्तनपान कराती है तो स्तनपान लगातार बच्चे को करा सकती है, लेकिन ऊपर का दूध लगातार पिलाना, बोतल से दूध पिलाना, ये सब डायरिया को बढ़ाते हैं। तो डायरिया के दौरान ऐसी चीज़ों को माँ को बच के रहना चाहिए। बच्चे को अगर आप पॉटी जैसे गिन रहे हैं कि भाई इतनी पॉटी करी, पेशाब भी आपको उतनी ही बार गिनना है, और इस बात का अंदाज़ लगाना है कि लगभग कितना पानी निकला है, उसी हिसाब से आपको ORS के सॉल्यूशन से या घर में बने हुए किसी सॉल्यूशन से आपको उसको रिप्लेस करते रहना है। अगर इसके बावजूद भी बच्चा सुस्त होता है, या पॉटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पेशाब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, या बच्चे का पेट फूलने लगता है, या पॉटी में आपको कुछ दूसरे साइंस दिखने लगते हैं जैसे कि बहुत म्यूकस आने लगा या खून आने लगा, तो ऐसे में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और पूछ सकते हैं। आप मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। शाम को 5:30 से 7:30 मैं वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ। मैं अपने क्लिनिक का भी एड्रेस शेयर कर रही हूँ, उस पर भी आप आकर के मेरे को विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।